वेलकम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखिएगा, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर्स, जो आए दिन प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको हेडिंग में ही दिख गया होगा, योगा और आपका GI टैग, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उनको ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं और याद कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, जर्दालू आम का GI टैग किस राज्य को मिला है? आपको बताना है, एक जर्दालू आम है, वो GI टैग मिला है बिहार को। बिहार राज्य को मगही पान और शाही लीची का GI टैग भी प्रदान किया गया है। दूसरा लिखा हुआ है, चमकी बुखार किस राज्य में फैला हुआ है? ये आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उससे आपको याद होगा कि बिहार राज्य में लीची खाने से कुछ बच्चों की मौत हुई है, जिसका नाम दिया गया है चमकी बुखार। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? जो आपका 29वां राज्य है, उसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, कंदमाल हल्दी का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए, ओडिशा। चलिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको याद होगा, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, रांची। दोस्तों मेरा आज की वीडियो का अगला प्रश्न, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आयोजित किया गया? थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, सिंपल प्रश्न है फिर भी अच्छा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था। इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि 2019 में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया होगा। तो कब होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ए 5 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 23 जून। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका, 21 जून। दोस्तों योग दिवस से संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा और ध्यान से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, जिससे मैं नेक्स्ट कभी भी वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। दोस्तों सातवां प्रश्न, 2019 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ए क्लाइमेट एक्शन, बी योगा फॉर हेल्थ, सी योगा फॉर पीस, डी कनेक्ट द यूथ। आपको चुनना है इसका सही आंसर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके दृष्टि से किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, 7 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, 2019 की योग दिवस की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों मैं आपके लिए आपका अगला प्रश्न लेकर आया हूँ, आठवां। देखिएगा उसका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न कहता है, 2018 में योग दिवस की थीम क्या थी? आपको बताना है 2018 में योग दिवस की थीम क्या थी। ए ऑप्शन कहता है कनेक्ट द यूथ, बी कहता है योगा फॉर हेल्थ, सी कहता है क्लाइमेट एक्शन, डी कहता है योगा फॉर पीस। आपका सी वाला तो 2019 का हो गया सही आंसर, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सी आंसर नहीं है। अब बचते हैं ए और बी और डी ऑप्शन, तो आपको इनमें से सही आंसर चुनना है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, योगा फॉर पीस। 2018 में हमने जो योग दिवस मनाया था, उसके लिए हमने थीम रखी थी योगा फॉर पीस। चलिएगा दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके लिए आज का 9वां प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है, भारत सरकार के एक आयुष मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए। इन चार ऑप्शन में से उसका सही आंसर छिपा हुआ है। ए कहता है योगा लोकेटर, बी कहता है योगा इंडिया, सी योगा अभ्यास, डी योग गुरु। दोस्तों इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण इसका जवाब भी बहुत ही अच्छा है, और आप याद रखें तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम नज़दीक आने पर रिवीजन कर सकें। और वो वीडियो काम नहीं आते दोस्तों, एग्ज़ाम के नज़दीक होने पर आपके नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि मैं भी कभी
नोट्स का सहारा नहीं छोड़ता, एंड एग्ज़ाम में आपके नोट्स ही काम आएंगे। चलिएगा दोस्तों, तो मैं इसके प्रश्न का आंसर सही बताता हूँ। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। नौवें क्वेश्चन का योगा लोकेटर आंसर सही होगा दोस्तों। दोस्तों आपके लिए मैं आपका अगला प्रश्न लेकर आया हूँ, दसवें नंबर का। बहुत ही सिंपल है, परंतु आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों तब तो ठीक है, तब आ जाएगा इसका आंसर। दसवां प्रश्न कहता है, वन लाइनर है, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आपको जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने निर्माण किया है इस मंत्रालय का, तो उसको याद रखिएगा दोस्तों, उसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? श्रीपद एसओ नायक जी हैं इसके मंत्री। आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल में इनको सदस्य बनाया गया है, जिनको आयुष मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, श्रीपद एसओ नायक। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न 11वां, गोवा राज्य जो गोवा में योगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा अपने महत्वपूर्ण नोट्स में या महत्वपूर्ण प्रश्न की कैटेगरी में, तो ये अच्छा रहेगा। योगा जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है गोवा राज्य ने, उसके चार ऑप्शन ये रहे, ए गीता मित्तल, बी आशापूर्णा देवी, सी दिव्या कर्नाड, डी नम्रता मेनन। आपको दोस्तों बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, नम्रता मेनन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। प्लीज़ माई फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।